हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फायजा। आज हम ओवरियन सिस्ट के बारे में सीखने वाले हैं। ओवरियन सिस्ट यानी कि अंडाशय में गांठ। क्या आपको भी ये प्रॉब्लम है? अंडाशय में गांठ होती है तो क्या ये गांठ ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है? क्या इस गांठ से आपको कोई मेजर प्रॉब्लम हो सकती है? तो ये जो समस्याएँ हैं उसे दूर कैसे करना है, तो चलिए सीखते हैं मेरे साथ आज ओवरियन सिस्ट के बारे में। कि ओवरियन सिस्ट अगर आपको होता है तो आपको प्रेगनेंसी रखने में परेशानी हो सकती है और आपके जो पीरियड्स हैं वो रुक रुक के आ सकते हैं। अगर ये जो प्रॉब्लम होती है तो आपको ओवरियन सिस्ट हो सकता है, यानी कि अंडाशय में ओवरीज में आपको गांठें हो सकती है। कि अभी ये जो गांठें बन रही हैं वो सिर्फ पानी वाली गांठें हैं या फिर कैंसरस गांठें हैं? तो चलिए आज इस पर हमारा वीडियो लेक्चर सीखते हैं। आज हम ओवेरियन सिस्ट के बारे में कौन कौन से कंटेंट सीखेंगे। सबसे पहले ओवेरियन सिस्ट के बारे में जानेंगे कि किस कारण का होता है, देन उसके सिम्टम्स क्या हैं, डायग्नोसिस क्या करवा सकते हैं और उसकी ट्रीटमेंट क्या ले सकते हैं। तो ये जो सारे चैप्टर्स है वो आज हम ओवेरियन सिस्ट के बारे में कवर करेंगे। सबसे पहले ओवेरियन सिस्ट के बारे में जाने कि ओवेरियन सिस्ट यानी कि अंडाशय में गांठ। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट। ये जो दोनों है वो ओवरीज है, यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब्स है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमने ऊपर आई बटन दिया हुआ है, तो आई बटन से जाके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम हमारे टॉपिक पे वापस से आते हैं कि ओवरीज जो है यहाँ पे आपको गांठें हो जाती है, ओवरियन सिस्ट, सिस्ट यानी कि गांठें। तो ये कहाँ होगी? ओवरीज में बनती है तो उसे ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। अब ये जो गांठें बनती है उस गांठ को हम कहते हैं तरल पदार्थ से भरी हुई थैली। और भी हम देखें तो ओवेरियन सिस्ट के यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट साइजेस अवेलेबल हैं। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये साइज 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये जो 7 साइजेस है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अगर आपको 3 सेंटीमीटर से कम की गांठें हो रही है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जो गांठ है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। जस्ट आपको अपना जो अल्ट्रासाउंड है वो चेक करवाना है कि ये जो 3 सेंटीमीटर से कम की गांठ है वो उसकी साइज इंक्रीज ना करें। तो ये जो है वो मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक है, यानी कि इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। अब हम यहाँ पे देखें कि अगर आपको 3 से 5 के बीच में सिस्ट है, यानी कि 3, 4 एंड 5, ये जो 3 साइज की सिस्ट है, अगर आपको इस साइज में सिस्ट बन रही है तो क्या ध्यान में रखना है? आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आपको जस्ट उन पे ध्यान रखना है, यानी कि वॉच रखनी है और रेगुलर फॉलोअप लेना पड़ता है, देन रेगुलर अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है जिससे कि ये जो साइज है वो 5 से 6 तक इंक्रीज ना हो। अब हम देखें कि अगर सिस्ट की साइज 5 से 7 के बीच में है, यानी कि 5, 6 एंड 7, ये जो 3 साइज है, इस 3 साइज के अंदर आपको सिस्ट बन रही है, तब भी आपको रेगुलर फॉलोअप लेना पड़ता है। सिस्ट की साइज अगर इंक्रीज हो जाती है तो क्या होगा? तो वहाँ पे पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आपको उसे रिमूव करना पड़ता है। देन अगर आपको 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा तक की गांठें हो गई है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो साइज है 7 सेंटीमीटर, इससे भी आपको ज़्यादा साइज बढ़ गई है सिस्ट की, तब भी आपको रेगुलर फॉलोअप लेना पड़ता है, अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवाना पड़ता है, MRI एंड CT स्कैन करवाना पड़ता है, देन उसका नेचर फाइंड करना है, इसका नेचर क्या है, या फिर ये जो गांठ बन रही है वो कैंसर की है या नहीं है। तो ये जो सारे कैरेक्टर्स है वो देखने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू ओवेरियन सिस्ट साइज। इसकी साइज के अकॉर्डिंग हमें ये जो सारे कैरेक्टर्स है वो चेक करने पड़ते हैं। ना उसके कॉजेस के बारे में देखें कि अगर ओवेरियन सिस्ट हो रहा है, ओवरीज में गांठें बन रही हैं, तो उसके कारण क्या है। सबसे पहला है एबनॉर्मल सेल प्रोडक्शन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे
सेल का ओवरग्रोथ हो गया है, जिसके कारण ओवरीज में इन्फ्लेमेशन हो गई है एंड फेलोपियन जो ट्यूब है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गया है। देन एंडोमेट्रियोसिस, हमने सीखा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि एंडोमेट्रियम का वर्क क्या है। ऊपर आई बटन दिया हुआ है, तो आई बटन के थ्रू आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एंडोमेट्रियोसिस में इन्फ्लेमेशन हो गया है और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज यानी कि PID, अगर आपको उसकी प्रॉब्लम है तब भी आपको ओवेरियन सिस्ट बन सकते हैं, या फिर आपका हार्मोनल इम्बेलेंस है यानी कि आपके जो पीरियड्स है वो रुक रुक के आते हैं, एस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया है, तो ये जो सारे हार्मोनल इम्बेलेंस है उसके कारण भी आपको ओवेरियन सिस्ट बन सकती है। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा एक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से जाके डायरेक्टली हमारा जो कोर्स है वो एक्सेस कर सकते हैं। नाउ अब हम हमारे टॉपिक पे वापस से आते हैं कि अगर सिस्ट बन रही है तो हम कैसे पता चलेगा, उसके सिम्टम्स क्या क्या रहेंगे। सबसे पहले आपको पेल्विक पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे ये जो पेल्विक फ्लोर है आपको वहाँ पे पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। पेल्विक पेन पे भी हमने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, तो ऊपर आई बटन से जाके आप वो भी वीडियो पूरा देख सकते हो। फुलनेस इन एब्डोमेन, तो एब्डोमेन का जो पार्ट है वहाँ पे आपको फुलनेस रहेगी, आपको ब्लोटिंग जैसा फील हो सकता है। ये जो सिम्टम्स है वो एसिम्टोमेटिक है यानी कि कभी भी आपको स्टार्ट हो सकते हैं, एंड आप जब भी इंटरकोर्स कर रहे हैं तो उनके तो इंटरकोर्स के दरमियान आपको पेन हो सकता है। देन अदर सिम्टम्स इज इरेगुलर पीरियड्स, आपके जो पीरियड्स है वो इरेगुलर हो जाते हैं, आपकी जो साइकिल है वो रुक रुक के आती है, पीरियड्स टाइम से नहीं आ रहे हैं, तो ये भी एक ओवेरियन सिस्ट के सिम्टम्स है। मेनोरिजिया, मेनोरिजिया में क्या होता है कि आपका जो पीरियड्स है वो हैवी फ्लो में चला जाता है, यानी कि जो आपकी रेगुलर साइकिल थी वो मीडियम मात्रा में ब्लड का फ्लो कर रही है, तो मेनोरिजिया में ये जो प्रमाण है वो इंक्रीज हो जाता है। देन आपका वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है, और आपके जो फेस का जो पार्ट है, लिप्स का जो पार्ट है, वहाँ पे एक्सेसिव ओवर हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाते हैं। नाउ डायग्नोसिस के बारे में सीखें कि अगर ओवेरियन सिस्ट है तो उसकी डायग्नोसिस क्या करवा सकते हैं। सबसे पहले आपको सिस्ट को फाइंड करने के लिए MRI करवाना पड़ता है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो MRI में सिस्ट दिखा रहे हैं तो ये MRI से फाइंड होती है, यहाँ पे भी सिस्ट बनी हुई है। देन उसके बाद अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाना पड़ता है। अल्ट्रासाउंड स्कैन में हमने सीखा 1 से लेकर 7 सेंटीमीटर तक की ये जो गांठें बन रही है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर की गांठ, तो ये जो बड़ी गांठ आपको दिख रही है ये 6 सेंटीमीटर की है, तो ये कैसे पता चलेगा, अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उससे उसकी साइज पता चलेगी कि ये जो गांठें हैं वो कितने साइज की है। नाउ ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में देखिए कि कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शन है, हम ओवेरियन सिस्ट को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको OTC मेडिकेशन लेनी पड़ती है यानी कि ओवर द काउंटर मेडिकेशन, उसके बाद आपको रेगुलर स्ट्रेसाइज एंड स्ट्रीचिंग करना पड़ता है, देन मसाज करवाना होता है, हीटिंग पेन यूज़ कर सकते हैं कि आपको अगर पेल्विक पेन कि अगर आपको पेल्विक फ्लोर में पेन हो रहा है तो ये जो है वो पेन रिड्यूस करेगा। वेट लॉस करना पड़ता है, जिंजर एंड कैमोमाइल की जो टी आती है वो भी आप टी रिफर कर सकते हैं, एंड देन मल्टी वाइटामिन एंड मल्टी मिनरल सप्लीमेंट्स जो आते हैं वो भी आप रेगुलर ले सकते हैं, या लेकिन आपके जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसे पूछ के आप ले सकते हैं। अब ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में देखें कि मेडिकेशन में कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, तो सबसे पहले यहाँ पे है पेन रिड्यूस के लिए एसिक्लोफेनाक, सेडाटिओपेप्टिडेज एंड पेरासिटामोल, आइबुजेसिक ASP जो कि सिप्लाट की आती है, तो आपको ये जो टेबलेट है वो दिन में एक बार या फिर 2 बार लेनी है। देन ब्रूफेन 400 आइबुप्रूफेन टैबलेट आती है एबोट कंपनी की, ये भी एक पेन किलर है, तो आपको दिन में एक बार या फिर 2 बार टैबलेट ले सकते हैं। पैरासिटामोल डोलो 650 ये भी पेन किलर है, तो 1 से 2 टैबलेट आप दिन में ले सकते हैं। मेफेनेमिक एसिड मेफ्टाल 500 तो ये जो टैबलेट है वो भी एक पेन किलर है, तो आपको दिन में एक बार या फिर 2 बार लेनी है। उसके बाद है बर्थ कंट्रोल पिल, आपकी जो पीरियड्स है वो इरेगुलर है, रुक रुक के आते हैं, साइकिल जो है वो इम्बेलेंस हो गई है, तो उसे रेगुलर करने के लिए आप ले सकते हैं। देन उसके बाद है रिवाइटल एच जो कि वुमन हेल्थ सप्लीमेंट्स है, जो कि आपको आयरन कैल्शियम विटामिन्स की जो डेफिशिएंसी है वो पूरा करती है, तो ये जो है वो आपको दिन में एक बार लेनी है। उसके बाद
ओवरियन सिस्ट के ड्रॉप्स आते हैं LNA90, जो कि एक होम्योपैथिक ड्रॉप्स है। तो ये जो ड्रॉप आपको 50 ड्रॉप्स हाफ कप ऑफ वाटर में दिन में 4 टाइम 4 दिन तक आप ले सकते हैं। 4 दिन के बाद आपको क्या करना है कि यही ड्रॉप्स 50 से लेके 30 तक कम करना है और दिन में 3 टाइम लेना है। देन उसके बाद SBL के ड्रॉप्स आते हैं ओवरिनम 30 CH। तो इसका जो डोज है वो 5 ड्रॉप्स इन हाफ कप ऑफ वाटर 3 टाइम्स अरे, यानी कि दिन में 3 बार लेना है। और ये जो है वो आपको खाना खाने से 15 या 30 मिनट के बाद और खाना खाने से पहले 15 या 30 मिनट के पहले आपको ले लेना है। देन M2 टोन सिरप आती है, ये जो सिरप है वो आपको 5 ml दिन में 3 बार लेनी है। हिमालय की AV-CAT 4 टैबलेट आती है, तो ये जो टैबलेट है इसका भी डोज दिन में 2 बार आप सिंगल टैबलेट ले सकते हैं। देन लिप्टन ग्रीन टी आती है, तो ये जो ग्रीन टी है उसमें रॉक सॉल्ट, जिंजर, तुलसी एंड ग्रीन टी, ये जो सारे हैं वो एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी आपको प्रोवाइड करती है, तो आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं। देन हेलो हेल्दी की कैमोमाइल टी आती है, तो ये भी टी आप ले सकते हैं। तो ये जो सारे और ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं वो आप प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है ओवेरियन सिस्ट सर्जरी। अगर आपको ये जो सारे प्रीवियस ऑप्शंस थे उस ऑप्शन में से कोई भी दवाइयाँ काम नहीं कर रहे हैं, तो सबसे लास्ट ऑप्शन बचता है ओवेरियन सिस्ट की सर्जरी। तो सर्जरी में एक सर्जरी आती है लेप्रोस्कोपी सर्जरी। लेप्रोस्कोपी सर्जरी में लेप्रोस्कोप यानी कि दूरबीन से आपकी जी यूट्रस है, ओवरी है एंड फेलोपियन ट्यूब है उसका एग्जामाइन करवाते हैं एंड जो सिस्ट बन रही है उसे वो रिमूव कर देते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीजेस के बारे में अगर आपको सीखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरी एक दूसरी चैनल भी है जिसमें आप मेडिसिन के बारे में सीख सकते हैं, तो उस चैनल का नाम है मेडिसिन एक्सपर्ट रिव्यू, उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।